हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैथ्स का एक रिवीजन मैप किया था चैप्टर फाइव ए पी का उसी तरीके से साइंस का चैप्टर नंबर वन जो है उसका रिवीजन मैप में अब लेके आई हूँ

बुक का बाई लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है तो नोट्स भी रिविजन में भी थोड़ा सा बड़ा होगा बट हम ट्राई करेंगे इसको जितना शॉर्ट में कर सकते क्योंकि बच्चे कहते हैं है, मैम में टाइम वेस्ट होता है, है ना ऐसे लगता है इतना सारा सिलेबस करना है यार आधा एक घंटा तो इसी में चला जाएगा तो आई मेक श्योर की मैं शॉर्ट में बताऊँ एंड हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लें ठीक है जी चलो सो so, देखो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑल्सो मैं इसको जूम इन कर दूंगी बिकॉज आई नो अभी बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा बट जैसे जैसे जिस टॉपिक पे हम जाएंगे आई जूम इट इन, ठीक है सो चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होता है तब माना जाता है जब एक या एक या उससे ज्यादा दो या उससे ज्यादा बेसिकली सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक नई चीज बनाते हैं एंड जो नई चीज बन रही है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है तो वो हमारा होता है केमिकल रिएक्शन इसी तरीके से अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन क्या होता है सो सिंबिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स में लिख देते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड पूरा लिखने की जगह जब हम एन लिख देते हैं दैट इज सिंबल में उसको लिखना शॉर्ट में बेसिकली उसका नाम लिखना एंड उसको बेसिकली केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है सिंबॉलिक फॉर्म में दैट इज आर केमिकल इक्वेशन ठीक है सो केमिकल रिएक्शन समझ में आया एंड केमिकल इक्वेशन समझ में आया ठीक है आगे कर लेते हैं उसके बाद चलो ये ये वगैरह वो अभी topic के साथ करेंगे करेंगे अब अब हमारा पे तीन पार्ट में है तो first topic basically ये है 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 तो जो कि कैसे हुआ सो ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन क्या क्या ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है तो start करते हैं सबसे पहले वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहली चीज़ है चेंज इन स्टेट उसकी स्टेट चेंज हो जाती है स्टेट मतलब कौन कौन सी स्टेट हमने पढ़ी है लिक्विड प्लीज यार हाँ यहाँ फनी कमेंट मत करना कि हम बोलने वाले थे मैम हमने 28 एट स्टेट्स पढ़े हैं नहीं वो वाला बात नहीं हो रही सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस एंड यहाँ पे एक्वस भी पढ़ते हैं हम ठीक है तो ये यहाँ पे जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जैसे एच टो प्लस ओ एच एच जो है हमारा हाइड्रोजन गैस H2 हमारा हाइड्रोजन है O2 हमारा ऑक्सीजन है दोनों मिलके H2O बनाती है H2O टू वाटर होता है सो so दो गैस मिलके लिक्विड बना रहे हैं सो so यहाँ पे स्टेट दिखा में चेंज हुआ देन है चेंज इन कलर कुछ रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं जैसे हमारे पास आयरन uh, और कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है तो इस के केस में जब कॉपर सल्फेट था तो वो ब्लू कलर का का था जब वो आयरन सल्फेट हो गया तो वो ग्रीन कलर का हो गया तो दैट मीन्स हमने देखा कलर का चेंज हुआ है चेंज इन कलर मतलब देर इज अ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस जब किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है दो चीजें मिली और गैस इवॉल्व हुई दैट अगेन एक केमिकल रिएक्शन हुआ जैसे मतलब जिंक का अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जेड एन एसओ फोर हो जाता है जिंक सल्फेट हो जाता है एंड एच टू ये गैस है सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वहां से हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुआ है देन चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वॉटर में ऐड करते हैं तो वो गर्म हो जाता है हीट आ जाती है उसमें सो हीट एक्स्ट्रा इवॉल्व हुई दैट मींस टेम्परेचर बेसिकली चेंज हुआ हीट हुआ तो दैट मींस अगेन केमिकल रिएक्शन हुआ है एंड लास्ट

येलो कलर एंड वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आके बैठ जाता है समझ में आया सो so, ये हमारा इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन होता है है फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्शन होगा तो इन्हीं सब चीजों को आपको बस इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है यहाँ पे एग्जांपल्स है बाकी थ्योरी आप खुद ही फॉर्म कर सकते हो ठीक है जी तो चलो अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसको नीचे कर देते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन अभी केमिकल इक्वेशन क्या लिखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए ना सबके नाम पता होने चाहिए जैसे सोडियम सल्फेट है उसको एन बोलेंगे सो so, इन सबके जब आपको नाम होंगे ना जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की जितना बोलोगे आपको अपने आप याद होते रहेंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर एस एस लिखा है तो ये कॉपर है एन लिखा है तो ये सोडियम है सी लिखा है तो ये कैल्शियम है तो इस तरीके से आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें अपने आप ही आती रहेंगी समझ ठीक है जी सो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड जब बेसिक हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सो so, उस केस में जरूरी नहीं जैसे यहाँ पे गिवन है एच टू प्लस ओ टू हमारा एच टू ओ देता है बट यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम इस साइड के देखें हाइड्रोजन के दो एटम है ऑक्सीजन के मतलब एच के हमारे पास दो है ओ भी टू है लेकिन यहाँ पे एच टू टू है लेकिन ओ सिंगल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम नहीं है ये मैं हटा देती हूँ बिकॉज वो कवर कर रहा है ठीक है तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे सेम नहीं होते तो उस केस में हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है सो तो ये हमारा अलग से पूरा टॉपिक है ना कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करता है इक्वेशन को बैलेंस करने में सिर्फ हमें ये काम करना होता है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने जैसे यहाँ पे अगर H2 है तो उधर भी H2 होना चाहिए इधर अगर O2 है तो उधर भी O2 होना चाहिए लेकिन द ओनली थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये नहीं कि अच्छा मैम ये तो सिंपल है H2 टू प्लस ओ और यहाँ पे अगर दे रखा है एच तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे टू लगा देते हैं हो गया बराबर ऐसा नहीं कर सकते दिस इज कंप्लीटली Wrong, because आप एक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आगे नंबर एड कर सकते हो चाहे कि यहाँ पे करो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो समझ रहे हो और बाहर आने का मतलब यहाँ पे अगर आप जैसे थ्री लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो एच कितने हो जाएंगे थ्री टू जिक्स ओ कितने हो जाएगा थ्री तो ये ध्यान रखना है वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो अगर हम इसी बेसिक्स वैसे हमने बहुत सारी इक्वेशंस को हमने जब चैप्टर किया था तो बहुत सारी इक्वेशन को बैलेंस करके देखा था बट इसमें हम बेसिक सा ले रहे हैं एच टू प्लस ओ टू और इधर गए तो ये लिखा हुआ है एच टू ओ अब मुझे समझ में आ रहा है भाई इधर एच टू है इधर एच टू है, है यहाँ ओ टू है इधर ओ सिर्फ वन है तो इसको टू करने के लिए मैं यहाँ पे आगे टू लगा दूंगी परफेक्ट इधर भी ओ टू हो गया उधर भी ओ टू हो गया लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई यहाँ पे एच कितना हो गया टू टू फोर सो यहाँ पे एच ऑफ फोर हो गया इधर एच सिर्फ टू है तो ये ध्यान रखने की सिर्फ एक चीज नहीं सारी चीजें सेम होनी चाहिए अब इधर फोर करने के लिए हमें यहाँ पे भी टू लगाना पड़ेगा मतलब एक इतनी सी आप इक्वेशन को अगर बैलेंस कर रहे हो तो उस केस में एक टू यहाँ आएगा एक टू यहाँ आएगा तब वो जाके बैलेंस होगी आई होप दिस इज क्लियर देखो जब आप रिवीजन में आप करोगे ना कभी कभी क्या होगा ना आपको लगेगा ये तो दो मिनट का काम है लेकिन जब आप इस चीज पे आओगे आपको याद आएगा नहीं यार मैं ना इक्वेशन बैलेंस करते हुए गलती कर देती हूँ तो आप यहीं पर पॉज लोगे एंड आप जाओगे चार पांच इक्वेशन उठाओगे जहाँ पे ये टॉपिक को क्लियर करके इधर आओगे तभी रिविजन मार्क्स करने का फायदा है सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना यार चलो नेक्स्ट चीज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सो नंबर ऑफ ऑफ एटम ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब यहाँ का मास और यहाँ का मास हमेशा सेम रहना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहने चाहिए वो होता है हमारा बैलेंस करना ठीक है जी चलो थर्ड है फिजिकल स्टेट इसको ऊपर कर लेते हैं सो नाउ वी हैव फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड कैन बी रिटर्न सॉलिड ये हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये काफी बच्चों को दिक्कत भी होती है कि जब मैम हम एक्वस की बात करते हैं तो हम ए क्यू लिखते हैं बट एक्वस और ये जो लिक्विड है इसमें क्या डिफरेंस है ये भी लिक्विड फॉर्म में ये भी लिक्विड फॉर्म में तो हम एक्वस क्यों बोल रहे हैं उसको एल क्यू नहीं लिख रहे लिक्विड क्यों नहीं लिख ले तो ये बेसिकली क्या होता है जब हम एक्व सोल्यूशन की बात करते हैं जब भी हम एक्वस बोलते हैं ना वी से एक्वस एक्वस सो का मतलब क्या है कि आपके पास जो वाटर है ना वो प्लेन वाटर नहीं है प्लेन लिक्विड नहीं है उसमें कोई चीज मिल रखी है देर इज अब इन इट तो वो एक्वस बनता है ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा देन है कंडीशन इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो एंड यहाँ पे हम कैसे करते हैं अभी आपने बहुत कम किए हुए हैं बट इसमें जैसे ये यहाँ पे लगाया ये ट्रायंगल क्या है एरो के ऊपर ट्रायंगल लगाना दिस बेसिकली सिंपलाइजेस कि हम इस चीज को हीट कर रहे हैं देखो कोई और चीज तो नहीं है ना सो यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन आया तो जब हम क्या क्या बताते हैं या बताते हैं जैसे हीट का बताया प्रेशर बताते हैं कैटलिस्ट बताते हैं जैसे जैसे आगे बड़ी क्लासेस में आप और बड़ी बड़ी केमिस्ट्री में सीखोगे तो आपको दिखेंगे अभी के लिए आपको हीट वाला टेम्परेचर वाला क्लियर दिख रहा है सो ये होता है हमारे इस तरीके से हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं अब हम चल लेते हैं यहाँ पे ओके सो थोड़ा सा जूम इन यहीं पे रहने देते हैं अच्छा अब इसमें पढ़ेंगे क्या थोड़ा तो जूम इन करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा सो so, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडाइज उक्सिराग, ऑक्सीडाइजेशन अब ये ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊं खाना बाहर रख के छोड़ दो दो तीन दिन तक भूल जाओ तो उसमें फंगस लग जाती है क्या है खराब हो जाता है स्पॉइल हो जाता है आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसे बार बार पानी पड़ेगा मॉइस्चर पड़ेगा उस पर कोई परफ्यूम लगा दिया कुछ लगा दिया विथ टाइम गोल्डन कलर की ज्वेलरी कैसी हो जाती है सिल्वर में कन्वर्ट होने लग जाती है सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक होने लग जाती है सो so, ये सब क्या है ऑक्सीडेशन है कि जो आपकी चीज़ है वो धीरे धीरे विथ टाइम खराब हो रही है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं अगर इसको डिफाइन करना है ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं अगर हम इसे डिफाइन करेंगे वी कैन सिंपली कॉल इट ऑक्सीडेशन हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड सो मेटल पे भी एक डैमेजिंग इफेक्ट और फूड पे भी डैमेजिंग इफेक्ट होता है सॉरी मैं फंबल खा गई सो so, एक जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है जो आपके फूड को या आपके मेटल को डैमेज करिए वो डैमेजिंग इफेक्ट हमारा ऑक्सीडेशन होता है द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडी स्टडीड एज कोरोजन पड़ा है हमने है so, जो आयरन पे होता है उसको हम का नाम देते हैं आयरन पे, है, पे, है, है, पे होता है उसको रस्ट बोलते तो अलग अलग नाम से आप पढ़ोगे चलो अभी इधर आ जाते हैं यहाँ पे एंड थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए अरे जिन बच्चों के पास सैम्पल पे बुक है आप तो उसमें बुक में आराम से इसको खोल के दे सकते हो एंड जिन बच्चों के पास नहीं है वो नीचे लिंक से परचेज कर लेना अभी के लिए यहाँ पे देख लो चलो सबसे पहले बात करते हैं रेंसिडिटी की सो so वी हैव रेंसिडिटी क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट रिजल्ट इन बैड स्मेल चेंज इन टेस्ट सो so, चेंज इन टेस्ट ऑफ बटर वेन कैप्टन ओपन अगर आप मक्खन वगैरह अपना बाहर खुला छोड़ दोगे उसमें स्मेल आने लग जाती है दैट मीन्स कि वो खराब हो गए अब खाने लायक नहीं है सो so, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी क्योंकि है ये ऑक्सीडेशन ही लेकिन फूड में हो रही है तो उसका नाम रेंसिडिटी है ठीक है जी तो ये कंफ्यूज कंफ्यूज भी नहीं होना मैम ये ऑक्सीडेशन अलग है रेंसिडिटी अलग है कोरोजन अलग है रेस्टिंग अलग है ये सब अलग अलग है नहीं इसका ऑल ओवर टर्म है ऑक्सीडेशन फूड में हो रही है तो रेंसिडिटी है मेटल में हो रही है तो कोरिजन है आयरन में हो रही है तो रेस्टिंग है ठीक है आई होप क्लियर है चलो हाउ टू अवॉइड कैसे अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट बी बी एच ए या बी एच टी पैकिंग के टाइम यूज़ करें या अपनी चीज़ को हम एयर टाइट कंटेनर में रखे होते हैं ना घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह नमकीन वगैरह हम एयर टाइट करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो देन की फूड इन रेफ्रिजरेटर जो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता बाहर इन्वायरमेंट में फूड उसको फ्रिज में रखा जाता है एंड देन फ्लश चिप पैकेट जो चिप्स के पैकेट होते हैं अब वो चिप्स के पैकेट तो कब सेल होंगे दुकान में पड़े पड़े तो खराब हो जाएंगे इसलिए उन पैकेट्स में एन टू जार डाला जाता है नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है एंड स्टोर अवे फ्रॉम लाइट लाइट से दूर रखने से भी फूड की हमारी सेफ्टी हो जाती है इसलिए आप देखते हो तो जब भी हम फ्रिज बंद करते हैं फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है जैसे ही खोलते तो लाइट हमें हम देख सके इसलिए उसकी लाइट जल जाती है ओके okay जी चलो अब यही इसी तरीके से क्रोजन है क्रोजन में क्या है मेटल्स आर रिटन बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड अदर सब्सटेंस जो भी हमारी मेटल की चीज़ें हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में आके खराब हो जाती हैं मतलब विद टाइम ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ खरीदे कुछ टाइम में चली जाती है शो पीसेज हो गए विद टाइम पड़े ना कि पड़े पड़े उसका कलर खराब होने लग जाता है तो विद टाइम वो चीज़ ख़राब हो जाती है Now rusting of iron, blackening of silver, green coating on copper. Copper, sorry. So iron की rusting हो जाती है लोहे का आपने देखा होगा बहुत पुराने जंग लग जाता है basically. तो that is rusting of iron. Silver की कोई jewellery है silver की कोई आपके पास चांदी की चीजें basically. चांदी के घर में आपने देखा होगा spoon वगैरह कोई भी चीज पड़ी होगी तो वो काली हो जाती है with time, है ना जी Then copper के ऊपर green color की coating कोट, आ जाती है तो वो उसका rust basically वो उसका कोरोजन है एंड रस्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिकली रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्मड आफ्टर कोरोजन आयरन पे रस्ट लगता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है नाउ आयरन गेट कोरोडेड बाय एटमॉस्फेयरिक ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी कैसे खराब होता है विद टाइम जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होती है उसमें और ह्यूमिडिटी से खराब हो जाता है ह्यूमिडिटी मतलब आपने देखा होगा लोहे की चीज में कहते हैं बार बार पानी मत डालो जंग लग जाएगा उस उसपे है ना सो so, अब वो कैसे अवॉइड करते हैं पेंट करना ग्रीस करना गेल्फिशन करना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना सो ये सब चीज़ें करना हम देखें लोहे की जितनी चीज़ें होती है उस उसमें अच्छे से पेंट किया जाता है कि बार बार वो एयर के कांटेक्ट में पानी में कांटेक्ट कौ, में आके बहुत जल्दी ख़राब ना हो ठीक है जी सो ये सारी चीज़ें हो गई एंड इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पेज को जूमआउट कर दू मैं इसी के साथ भाई हमारा जो ये फर्स्ट पेज था इस चैप्टर का वो हो गया रिविजन मैप का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर नहीं फर्स्ट पेज सॉरी कंप्लीट हो गया इसी चैप्टर का एक पेज हो रहा है दो पेज में पूरा चैप्टर खत्म है इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जूम कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं सो so, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगी मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ ऑलरेडी सो so, मैं धीरे धीरे फटाफट से बोलने वाली हूँ सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स सो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है बॉन्ड जो है ब्रेक होता है चीज़ें अलग हो जाती हैं आपस में उनके कंपाउंड अलग हो जाते हैं एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं किसी किसी में फॉर्मेशन होता है दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज बना के फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो वो सब हमारे टाइप्स आएंगे सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है एक चीज़ दूसरी चीज के साथ मिलकर दोनों साथ में मिलके एक कंपाउंड बना ले so, सो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दोनों को मिलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं इसको मैं थोड़ा सा साथ साथ वो करती रहती हूँ अब मैं कोशिश कर रही करी ज्यादा टाइम ना लू बस रिवाइज कराते चलो ऐसा ना हो कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको देन बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हीट इज इवॉल्ड या रिलीज इस रिएक्शन में ये ध्यान से समझना हीट रिलीज होती है इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम यूज इन वाइट वाइट वॉशिंग सो जब हम क्विक लाइम को पानी से मिलाते हैं तो ये जो हमें सोल्यू एक्वा सोल्यूशन मिलता है ना ये बहुत गर्म होता है तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई है लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इसमें हीट एब्सॉर्ब हुई है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं सो so, यहाँ पे क्या हुआ है इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है इसमें हीट रिलीज हुई तभी आपको गर्म गर्म दिख रहा है यहाँ पे उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है तो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एंटोथर्मिक रिएक्शन अब अगेन इसको आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट है ये हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देन है डी कॉम्बि रिएक्शन डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन अब इसमें क्या होगा दो चीज़ें साथ में थी एंड देन रिएक्शन के बाद वो अलग होगी जैसे कॉम्बिनेशन में था दो अलग चीज़ें थी रिएक्शन हुआ साथ हो गई वो अब इसमें देखो इसमें क्या होगा जैसे एग्जाम्पल देख लो एफ ई एस फोर मतलब आयरन सल्फेट है अगर हमारे पास तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमें एफ ई टू ओ थ्री मतलब आयरन ऑक्साइड मिल गया SO2 तो प्लस एसओ एक एक अलग 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 है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब इसमें भी थर्मल डीकम्पोजिशन होता है थर्मल में क्या होता है कंपाउंड ब्रेक्स इंटू टू और मोर प्रोडक्ट ऑन हीटिंग हीट करने पर अलग हो रहा है एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे अगर आप H2 पानी में से जब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना होते है इसके अलावा एक और हमारा होता है दैट इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन इसमें क्या होता है रिएक्टन ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसमें सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है ठीक है मैं एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो मैं सारे एक्जाम्पल्स पे नहीं जा रही वरना बहुत लंबा चला जाएगा

था हमारा मतलब जिंक ऑक्साइड हमारा साथ में था एंड साथ में हमारे पास कार्बन था जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या हुआ जेड खा जेड एन खाली हो गया और सी के साथ ओ आ गया तो ये जेड एन के साथ जो ओ था ये रिप्लेस होके सी के साथ आ गया तो ये हमारा बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक और एग्जांपल देखते हैं सी यू ओ मतलब कॉपर ऑक्साइड था आपने इसका एच टू से रिएक्शन करवाया तो अभी जो कॉपर के साथ ओ था ना वो एच टू के साथ चला गया तो यहां पे क्या हुआ ये जो कॉपर के साथ ओ था यहाँ पे क्या हुआ रिड्यूस हो गया भाई उसके साथ ओ था नहीं है ये ध्यान से समझ क्योंकि यहां कंफ्यूजन होती है सी यू के साथ अब ओ नहीं है तो क्या हुआ इस प्रोसेस में रिडक्शन हुआ तो जिसके साथ रिडक्शन होता है CuO, इसके में हुआ, इसको ओ एजेंट बोलते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई CuO ओ अब Cu रह गया ये अलग हुआ तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा नहीं जहां पे रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एच टू हमारा एच टू ओ हो गया एच टू को ओ मिल गया तो क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन हुआ तो इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे कि भाई इसने मिलके यहां से रिड्यूस किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ठीक है ये ध्यान रखना जहां पे ऑक्सीडेशन होगा जिसपे होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा सॉरी ऑक्सीडे जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा मैं ही कंफ्यूज कर दूंगी मुझे लग रहा है और जहां पे रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट होगा ठीक है ये रिवर्स में जाता है इसलिए गलती हो जाती है ठीक है अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो इसमें क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन आइटम लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन होता है हाइड्रोजन लॉस होता है जब हम रिडक्शन के आते हैं तो वो उल्टा हो जाता है इसमें हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन के आटम Loss होते हैं ठीक है आई होप दिस इज क्लियर चलो इसको यहां से कर लेते हैं इधर अभी आपस में रिडक्शन कह रहा है लुक जस्ट द इलेक्ट्रॉन आई वाज लुकिंग फॉर वो कह रहा है मेरे रिडक्शन करने लगे ना कांड यहाँ पे इसको अरे ये तो मेरे को चाहिए और यहाँ पे उसके साथ क्या कह नो वेर इज माय इलेक्ट्रॉन गोइंग उसका इलेक्ट्रॉन चला गया और जाके इसके पास रहे इसके पास तो ये प्रोसेस होता है थोड़ा सा थो 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 फनी बनाने के लिए ये ऐसे दे रखा है चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन में क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अब जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले के साथ के एलिमेंट को अपने पास रख लेता है जैसे यहाँ पे एफ था CuSO4 था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट था जब रिएक्शन हुआ तो आयरन कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो आयरन ने कहा ओ जो तू सल्फेट लेके बैठे ना मेरे को देते दे चुपचाप तो इसने सल्फेट अपना ले लिया और कॉपर बेचारा सिंगल हो गया देखा ज्यादा पावरफुल लोग ले जाते हैं ऐसे करके ना उसको सिंगल कर दिया और खुद कपल बन के बैठ गया ठीक है जी सो so, क्यों उपाय है ये क्योंकि आयरन डिस्प्लेसेज सी यू फ्रॉम सी यू एसओ फोर एंड चेंज कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रे तो कलर चेंज करा है ब्लू टू लाइट ग्रीन सॉरी ठीक है लाइट ग्रीन कलर में करता है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए कर पाया ठीक है जी चलो लास्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में सब खुश रहते हैं खुश इन द सेंस जैसे यहाँ पे तो इसके साथ से गैप हो गया तो वो अकेला हो गया ना इसमें क्या होता है सब अपना में कपल कपल में है एन एन ए टू एसओ फोर के साथ था बी ए सी एल टू के साथ था जब रिएक्शन हुआ तो बी ए एस ओ फोर के साथ आ गया एन ए टू सी एल के साथ चला गया ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है एक दूसरे से रिप्लेस किया है बस ऐसे करके फ्लिप कराए इन्होंने और कुछ नहीं किया लेकिन दोनों के पास है तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है जो रिएक्टिव वाला होता है वो साथ वाले का एलिमेंट ले लेता है ठीक है so, सो इसी के साथ हमारा जो इतना बड़ा चैप्टर था आई नो वीडियो भी लंबी लग रही होगी आपकी लेकिन यह चैप्टर के हिसाब से बहुत लंबा चैप्टर है तो इतने लंबे चैप्टर को आप रिविजन मैप में सारी चीजें एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा एंड दीज आर बेस्ट यार जब पूरा चैप्टर कर चुके हो बार बार थोड़ी दो दो घंटे की आप पूरे पूरे चैप्टर देखोगे तो उसके लिए बेस्ट है कि आप रिविजन मैप्स पढ़ो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एंड जो वीक पॉइंट है उसको आप दोबारा जाके अच्छे से वो टॉपिक को अच्छे से पूरा समझ सकते हो ओके okay जी सो दिस वाज इट अब आप और इस तरह के आपको जो भी रिविजन मैप चाहिए होंगे अपनी सैम्पल की बुक में देख सकते हो एंड अगर ये बुक आपके पास अभी तक नहीं है सो गो बाय दिस बुक बहुत हेल्पफुल है ये रिविजन मैप्स भी और इसके अंदर जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी सो आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो देन टेक केयर एंड बाय बाय